आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट मोदक की रेसिपी। इसमें बनाने वाले हैं गणपति बप्पा के लिए बहुत सारे क्यूट क्यूट से मोदक। नॉर्मल मोदक तो बनाएंगे ही, इसके साथ में बनाएंगे चौको लावा मोदक। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनालीस कुकिंग हब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आज की मोदक की रेसिपी। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है डार्क कंपाउंड एंड वाइट कंपाउंड। मैंने यहाँ पे बियॉन्ड का लिया है, आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। ध्यान रखें, जब भी आप कंपाउंड मार्केट से लेकर आए ना, तो इसे फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखें। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी कट नहीं हो पाएगा। मैंने इसे बाहर ही स्टोर करके रखा था, इसलिए ये ईजिली कट हो जा रहा है। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करने से ना, ये बहुत ही ईजिली मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। बाउल में निकालने के बाद इसे करेंगे मेल्ट। तो मेल्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है डबल बॉयलर का। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव या फिर OTG में भी मेल्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से वाइट कंपाउंड को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड के कंपेयर में वाइट कंपाउंड का कम यूज़ करा है, क्योंकि मुझे मोस्टली मोदक डार्क कंपाउंड का यूज़ करके ही बनाना है। अगर आप वाइट कंपाउंड का ज़्यादा यूज़ करके मोदक बनाना चाहते हैं, तो आप वाइट कंपाउंड की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट कंपाउंड को भी कट कर लिया है। अब इसे भी निकाल लेते हैं बाउल में। अब इसे कर लेंगे मेल्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल में पानी। इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर रख देंगे एक चॉकलेट वाला बाउल। ध्यान रखें, पानी चॉकलेट वाले बाउल में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो पानी अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पानी अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और अगर आपको ऐसा लगे कि पानी ठंडा हो रहा है, तो बस फ्लेम को ऑन करना है, पानी गर्म करना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। बस इसी तरह से करना है, इससे चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अगर आप फ्लेम को ऑन करके ही इसे मेल्ट करेंगे ना, तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, प्लस ये अच्छे तरीके से मेल्ट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ पानी को गर्म करना है और तुरंत ही फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंपाउंड को मेल्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हुआ है और इसमें कितना ज़्यादा शाइन आ रहा है। सेम इसी तरह से आपको भी दोनों कंपाउंड को मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने लिया है मोदक वाला साँचा। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ये डार्क कंपाउंड। अब इसे करेंगे एक बार टैप, ताकि ये इवनली सब तरफ स्प्रेड हो जाए। अब इसके ऊपर डालेंगे ये वाइट कंपाउंड। वाइट कंपाउंड डालने के बाद फिर से इसे करेंगे टैप, और फिर इसे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में। तो यहाँ पर मैंने लिया है छोटू छोटू से मोदक बनाने के लिए मोल्ड। तो इसमें जो मोदक बनाएंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेंगे। तो इसमें आपको जैसा डिज़ाइन पसंद है ना, आप वैसा इसमें बना सकते हैं। तो इसे मैं ड्राई फ्रूट डालकर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला डार्क कंपाउंड, फिर उसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट, और फिर इसे वाइट कंपाउंड से पूरा कवर कर दिया। सेम इसी तरह से इसे पूरा फिल कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। अब बना लेते हैं चौको लावा मोदक। तो इसके लिए मैंने थोड़े से डार्क कंपाउंड को एक अलग से बाउल में निकाला। फिर इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून के लगभग नॉर्मल मिल्क, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चॉकलेट गनाश बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब लेना है मोदक वाला मोल्ड। इसमें डालेंगे ये मेल्टेड डार्क चॉकलेट, और इसे पूरे मोल्ड में अच्छी तरह से फैला लेंगे। स्पून की हेल्प से इसे इस तरह से फैलाएंगे ना, तो ये बहुत ही ईजिली पूरा कवर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे ये चॉकलेट गनाश। गनाश डालने के बाद इसे ऊपर से कवर कर लेंगे मेल्टेड डार्क चॉकलेट से। सेकेंड वाले मोल्ड को भी सेम इसी तरह से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों चौको लावा मोदक को रेडी कर दिया है। अब इसे भी 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जो मैंने सबसे फर्स्ट में मोदक बनाया था ना, इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे मोल्ड से भी निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्प्टिंग और डिलीशियस था यहाँ पे हमारा मोदक बनकर तैयार हुआ है।
ये वाले मोदक को अगर आप गणेश पंडाल में चढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे आपसे सब यही क्वेश्चन पूछेंगे कि वाओ कैसे बनाया कैसे बनाया, क्योंकि जनरली लोग मुझसे सेम यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस बार तो मैं उन्हें इस रेसिपी का लिंक शेयर करने वाली हूँ, आप भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर छोटू वाले मोदक भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इसे भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, फटाफट से मैं इसे डीमोल्ड भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, मुझे ना ये छोटू वाले मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप भी मुझे ज़रूर बताना कि इन तीनों मोदक में आपको कौन सा वाला मोदक सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर फाइनली मैंने चौको लावा मोदक को भी निकाल लिया है फ्रिज से, इसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसे कट करके भी दिखाने वाली हूँ। मोदक मोल्ड से तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों टाइप का मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे कट किया, इसके अंदर का जो मेल्टेड चॉकलेट था वो इसमें से बाहर आ गया है। गणपति बप्पा के लिए चॉकलेट मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।